दोस्तों आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं डॉक्टर एन के शर्मा, रिकी हीलिंग फाउंडेशन में आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक जीवन का बड़ा सहज सरल सत्य बताने का प्रयास करते हैं, आपको वैज्ञानिक धारणाओं के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, ताकि आप जीवन को बड़ी सहजता से जिएं, उत्सव की तरह जिएं, आनंद पूर्वक जिएं और स्वस्थ होकर जिए, समृद्ध होकर जिए। तो ये वीडियो की बहुत दिनों से मांग थी कि मैं ये बताऊं कि हमारा खान पान का रोज का दिनचर्या क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहली बात ये बताना चाहता हूं कि मैं स्वास्थ्य के लिए कभी भी कुछ नहीं करता। आई डोंट डू एनीथिंग फॉर माई हेल्थ। यू नो वाई? क्योंकि हेल्थ मेरा स्वाभाविक मिला मिलाया है। जैसे कोई यूं कह रहा हो कि भाई साहब मैं शांति के लिए बड़ा एफर्ट करता हूं। अरे भाई, शांति के लिए एफर्ट नहीं करने पड़ते, शांति तो है, तुम अशांत होना बंद कर दो। तो दोस्तों मैंने रोगी होना बंद कर दिया इसलिए मैं स्वस्थ हूं। बस सिंपल सी बात इतनी सी है। तो अब मैं डेली का रूटीन कैसे होना चाहिए, मैं अपना ही रूटीन बताते हुए आपको थोड़ा गाइड करूंगा। आप अपनी सुविधा अनुसार आप अपना कार्यक्रम बनाने की कोशिश करें, ठीक है। मैं सुबह 5 से 5:30 बजे के बीच उठता हूं और मैं जबरदस्ती उठने की कभी कोशिश नहीं करता। मेरी जब आंख खुलती है तभी मैं उठता हूं। और कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि मैं कभी कभार 5:30-5 बजे ना उठकर मैं कभी कभी 6:30-7 बजे भी उठ जाता हूं, पर यह कभी कभार रेयर होता है ऐसा। लेकिन मैं अपने शरीर को ये नहीं कहता कि तुझे मुझे कब उठाना है, मैं कहता हूं जब तू आंख खुलेगा मैं उठ जाऊंगा। यानी कि मैं इतना सहज होकर जीवन को जी रहा होता हूं। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि शरीर की एक कंडीशनिंग भी हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली उसी समय पर सुबह सुबह आंखें खुल भी जाती है। तो जनरली वो मेरा समय 5 से 6 के बीच का होता है। फिर उठने के बाद दोस्तों मैं सबसे पहले पलंग के ऊपर ही मैं कम से कम 10 मिनट बैठकर मैं जीवन में आगे क्या करना चाहता हूं, मैं यूनिवर्स के साथ अपने आप को जोड़ता हूं और मैं अफर्मेशंस करता हूं, प्रार्थनाएं करता हूं। प्रार्थना का मतलब मांगनी है मेरी। मैं अपने आप को उस अवस्था में देखता हूं कि मैं इस संसार में मेरा जन्म जो है रिवोल्यूशन के लिए, क्रांति के लिए हुआ है। पूरा ब्रह्मांड हमेशा मेरे साथ है, मेरी सुरक्षा करता है, वो हमेशा मुझे गाइड करता है, वो मेरे लिए नई नई अपॉर्चुनिटी, नई सुविधाएं, नए अवसर पैदा करता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें, यानी कि मैं विश्व भर में रेकी को फैला रहा हूं, ऐसे जो मेरी लाइफ की जो मिशन है मैं उसको जो है एक 5-10 मिनट तक बैठकर मैं यूनिवर्स के साथ जुड़कर मैं उसकी प्रेयर करता हूं, आप यूं समझ लें। उसके बाद फिर मैं उठकर एक गिलास पानी चार्ज करता हूं रेकी से, क्योंकि रेकी जो है एक बहुत पावरफुल प्राण ऊर्जा है, जीवनी शक्ति है। उससे पानी चार्ज करने से इतनी प्रबल ऊर्जा पानी की हो जाती है कि वो पानी 10 गुना ज्यादा ऊर्जावान हो जाता है और उसकी पूरी एटमिक स्ट्रक्चर में बदलाव आ जाता है। किस हद तक मैं बताना चाहता हूं, ये वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि उसका पीएच वैल्यू, यानी कि उसका जो अल्कलाइन वैल्यू है, वो जो नॉर्मली 6:30-7 के आसपास होता है, वो सीधा 8-8:30 तक पहुंच जाता है सिर्फ रेकी से चार्ज करने से। तो मैं वो पानी को चार्ज करता हूं और अच्छे भाव भरता हूं, और जब मैं जल पीता हूं तो आंख बंद करके एक एक घूंट का मजा लेते हुए पीता हूं और मैं कहता हूं हे जल तुम ईश्वर स्वरूप हो, तुम औषध स्वरूप हो, हे जल मेरे शरीर के भीतर जाओ, मेरे रोम रोम को, अणु अणु को स्वस्थ ऊर्जावान बनाओ। तो इस तरह की प्रार्थना करते हुए मैं धीरे धीरे पानी पीता हूं और उसको पूरे शरीर में उस एनर्जी को फ्लो होते हुए महसूस करता हूं। क्यों? मेरी मर्जी, क्योंकि मैं पानी को सामान्य उठ के फटाफट पी के भाग जाऊं इधर उधर, यानी तो मैं उसको बढ़िया अमृतमय बनाकर मैं उसका मजा लूं। और ऐसा नहीं कि मैं रोज पानी पीता हूं, कभी मैं नारियल पानी भी पी लेता हूं ऐसे अगर अवेलेबल हो जाता है, मैं कभी आंवले का पानी पी लेता हूं, कभी मैं नींबू का पानी पी लेता हूं। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि मैं कभी भी कोई स्पेशल फूड नहीं लेता। मैं कभी कोई तुलसी, कोई आंवला, न कोई गिलोय, न कोई इस व्हीट ग्रास, न ये सब जो लोगों की आदतें होती सुपर फूड,
मैं कोई सुपर फूड नहीं खाता। ये उन लोगों की जरूरत है जो खाली पका हुआ खाना खाते हैं और जंक या घटिया खाना खाते हैं। मैं तो शरीर को पूरे दिन सर्वश्रेष्ठ धरती का आहार देता हूं, इसलिए मुझे इन सब एक्स्ट्रा चीजों की या च्यवनप्राश की मैं या ये सब चीजों की मुझे जरूरत नहीं पड़ती बिल्कुल भी, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं खाता। उसके बाद दोस्तों मैं सीधा बाथरूम जाता हूँ, 10 सेकेंड में काम निपटा लेता हूँ और उसके बाद मैं घूमने निकलता हूँ। दोस्तों जब घूमने जाता हूँ तो मैं जनरली वॉकिंग ज्यादा करता हूँ, तेज चाल से चलता हूँ, बस इतना ही, और हल्के फुल्के थोड़े योगा के व्यायाम करता हूँ। मुझे ज्यादा योगा के व्यायाम की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों, कारण क्या है कि मेरा शरीर वैसे भी, हालांकि मैं 71 में हूँ, लेकिन मेरी बॉडी अभी भी फ्लेक्सिबल है, मैं कहीं भी टर्न कर सकता हूँ मेरी बॉडी को। तो कारण क्या है, क्योंकि अनाज दालों का सेवन कम है, इसीलिए मेरी बॉडी जड़ नहीं है, मतलब उसमें स्टिफनेस नहीं है, तो इसके कारण मुझे ज्यादा योगासन की जरूरत नहीं पड़ती है। ज्यादा योगासन दोस्तों उनको करना पड़ता है कि जिनको जो मतलब खा के शरीर को जड़ और स्टिफ बनाते रहते हैं, उन लोगों को तो जिंदगी भर ये लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। दोस्तों मेरे जीवन में ये लड़ाई नहीं है, मैं हल्के फुल्के व्यायाम क्यों करता हूँ, ताकि शरीर के सारे अंगों को थोड़ा सा काम मिल जाए और दिन भर मैं एक्टिव रहता हूँ। मैं इस तरह का व्यायाम नहीं करता दोस्तों कि मैं सुबह उठ के एक दो घंटे जिम में जाकर मैं इधर उधर भाग के ना जॉगिंग कर करा के रात जो 8 घंटे जो ऊर्जा कमाई वो जाके मैं सारी की सारी 50% उधर ही खर्च कर दूं, मैं ऐसा नहीं करता। हम रात को ऊर्जा क्यों कमाते हैं, ताकि दिन भर हम उसका अच्छा उपयोग कर सकें। लेकिन लोग क्या करते हैं, जिम में जाकर दौड़ लगाकर पूरे 2 घंटे में उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं और फिर दिन भर सुस्तियां हो सकता है कि थोड़ा भारीपन महसूस करें, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं ऊर्जा का बहुत छोटा सा उपयोग सुबह करता हूं, बाकी दिन भर जो है ऊर्जा का मजा लेता हूं। और मेरे लिए बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करने की मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, जिनका प्रोफेशन है, जिनको जरूरत है, वो कराटे करना है कि जिम में जाना है कि वेट लिफ्टिंग करना है, ये सब आपकी मर्जी है, ये तो हर एक की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। कोई दौड़ लगाता है, कोई मैराथन में जाना चाहता है, कोई स्पोर्ट्स मैन है, तो ठीक है आप अपने हिसाब से कीजिए, लेकिन मेरी वो नीड नहीं है, क्योंकि मैं मेंटल वर्कर हूँ, मैं बहुत ज्यादा, मेरा हार्ड वर्क नहीं है, तो इसीलिए मुझे उसकी जरूरत भी नहीं है। पर हाँ, मैं जरूर जो है रोज जो नेचुरल व्यायाम होता है ना, चढ़ना उतरना, सीढ़ियों से उतरना चढ़ना, अपना काम खुद करना, और हर वक्त दोस्तों मैं खड़ा ही रहता हूँ, मैं कभी बैठता नहीं, बता दूं मैं आपको, क्योंकि खड़े रहने से हमारी एनर्जी एक्टिव रहती है, बैठने के बाद में धीरे धीरे हमारी बॉडी स्लो डाउन होने लगती है, इसलिए मैं लेक्चर भी खड़े खड़े देता हूँ, मेरा काम भी खड़े खड़े करता हूँ। जब तक मैं पूरा काम से निपटारा ना कर लूँ ना, तब तक मैं कभी बैठता ही नहीं। तो इस तरह से मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ, मेंटली भी फिजिकली भी। और मेरे लिए सबसे बढ़िया व्यायाम है नाचना, खेलना और वॉकिंग करना, या नहीं तो हल्की फुल्की जॉगिंग करना, ब्रिस्क वॉक करना, बस। इससे ज्यादा मैं और कोई ज्यादा व्यायाम को तवज्जो नहीं देता, यानी कि आई डोंट प्रिफर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस। तो दोस्तों इस तरह से मैं एक्सरसाइज करके आता हूँ, आने के बाद में मैं नहाने जाता हूँ। दोस्तों जब मैं नहाता हूँ तो नहाने के बाद में नहाना ही मेरा एक व्यायाम हो जाता है। वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं हमेशा ठंडे पानी से नहाता हूँ। आप जानते क्यों, क्योंकि ठंडे पानी से नहाने से शरीर की जो चमड़ी है ना वो बहुत ताजी और बड़ी बड़ी अच्छी रहती है, बहुत एकदम सॉफ्ट रहती है और रेडिश रहती है एकदम। गर्म पानी से शरीर को है बहुत नुकसान पहुंचता है, इसलिए मैं गर्म पानी को छूता भी नहीं हूँ, समझ लें गर्म पानी मेरा दुश्मन है। और मैं ठंडी में भी एक दो लोटा गर्म पानी का डाल के थोड़ी ठंडक कम कर दूंगा, लेकिन मैं नहाऊंगा ठंडे पानी से ही। इसीलिए सर्दी के अंदर मुझे सिर्फ एक ही स्वेटर या एक ही कोट से मेरा काम पूरी सर्दी में, चाहे दिल्ली में -3 भी हो जाए, यानी कि -3 तक भी पहुंच जाए, तो भी मैं जो है उसमें बड़े आराम से रहता हूँ। मैं लंदन भी जाता हूँ, अमेरिका में भी जाता हूँ, वहां भी मैं एक कोट से ही अपना काम चला लेता हूँ। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप ताजे पानी से नहाते हैं ना, तो आपकी बॉडी बहुत एकदम बढ़िया ताजगी पूर्ण रहती है और आपकी स्किन जो है हमेशा चमकदार रहती है। गर्म पानी से नहाने से आपकी बॉडी त्वचा कमजोर होती है और आपको बाहर आने पर ठंड भी लगती है, और फिर आपको कई तरह के लोशन और क्रीम वगैरह ये सब लगाने पड़ते हैं। आपको जानकर के हैरानी होगी दोस्तों, मैंने मेरी लाइफ में
मतलब बचपन में साबुन लगाया होगा, आज 40-45 साल से मैंने आज तक कभी साबुन का इस्तेमाल नहीं किया दोस्तों, और मेरी चमड़ी को मैंने कभी ऑयलिंग नहीं किया आज तक, कभी भी मैं कभी ऑयल नहीं लगाता, कोई केमिकल नहीं लगाता, कोई डिओड्रेंट नहीं लगाता, यानी कि मैं कुछ भी लगाता ही नहीं। मैं सिर्फ बालों को शैम्पू करने के लिए थोड़ा सा शैम्पू जरूर यूज करता हूँ, वो भी जनरली कोई अच्छा है हर्बल का कोई शैम्पू मिल जाए तो बस उसी को यूज कर लेता हूँ, मतलब आई डोंट डू एनीथिंग स्पेशल। इस तरह से दोस्तों मैं नहाने का मजा लेता हूँ, और नहाना मेरे लिए एक व्यायाम है। जब मैं नहाता हूँ और उसके बाद में मैं हाथ से रगड़ कर पूरे शरीर को सुखाता हूँ, और हाथ से रगड़ कर उसको पूरी तरह सुखाने में कम से कम 5 मिनट लगते हैं, उससे मेरी बॉडी में गर्मी आ जाती है। और दूसरी बात क्या होती है, फिर मैं तौलिए से भी है ना पूरी बॉडी को 5 मिनट तक खूब रगड़ रगड़ के अच्छी तरह से पूरा ऐसे ऐसे कर करके एक एक हाथ को ऐसे ऐसे रगड़ रगड़ के अच्छी तरह से पोंछता हूँ, उसमें भी 5 मिनट लग जाते हैं, यानी कि आप यूँ समझ लें कि 10 मिनट मेरा व्यायाम नहाने में ही हो जाता है, और मेरी बॉडी जो है इतनी लाल और गर्म हो जाती है कि अपने आप में मुझे फुर्ती महसूस होने लगती है। तो नहाना मेरे लिए एक व्यायाम है अपने आप में, वो रूटीन नहीं है मेरे लिए। तो इस तरह से मैं नहा धोकर आने के बाद में फिर तैयार होकर मैं जो है 1 घंटा करीब करीब मैं ध्यान करता हूँ। दोस्तों ध्यान और व्यायाम ये आपके जीवन के बेसिक फाउंडेशन है, अगर आप ये नहीं करते हैं ना तो फिर आप जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। तो मैं 1 घंटा में ध्यान करता हूँ, और वैसे मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कोई पूजा पाठ नहीं करता, मैं कोई मंदिर नहीं जाता, मैं कोई मतलब कोई डर मतलब भगवान का डर नहीं रखता। जानते क्यों, मैं तो सिवाय अपने भीतर भगवान को और कुछ महसूस करता ही नहीं, मैं तो 24 घंटे हर कण कण में उसके सिवा कुछ महसूस करता नहीं। इसलिए मैं ध्यान इसलिए नहीं करता कि मुझे भगवान को खुश करना है, या मुझे प्रार्थना करनी है, या मुझे कोई स्पेशल मंत्र जाप करके उसको खुश करना है। मैं ध्यान दोस्तों इसलिए करता हूँ कि मैं इस संसार में आया हूँ तो मैं जाग के जीऊँ, मैं भ्रम में न जीऊँ, मैं बेहोशी में न जीऊँ, ताकि और मैं जो जीवन की ब्रह्मांड की जो सच्चाई है मैं उसको जानकर उसके नियमों के साथ जुड़कर जीऊं, इसलिए मैं जागना चाहता हूं। मैंने एक शेर लिखा, आप जानते ही हैं कि यूं तो जन्म 1,000 लिए, एक और जन्म लिया तो क्या, जिस दिन जागा तभी जन्मा मैं, अंधा बनकर जिया तो क्या। तो दोस्तों मैं इसीलिए ध्यान करता हूं, और ध्यान में मैं अपनी ऊर्जा को भी विकसित करने के लिए मैं कई तरह के जो बीज मंत्र है जिसमें चक्रों की जो ध्यान है लम ओम, इस तरह के वाइब्रेशन को भी मैं कभी कभार यूज करता हूँ। कभी मैं सिंगिंग बॉबल जो साउंड थेरेपी होती है मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ, कभी मैं साक्षी ध्यान करता हूँ, केवल अपनी बॉडी के एक एक अंग से अपने शरीर को गुजारता हूँ, क्योंकि मैं विपश्यना का भी साधक हूँ, मैं विपश्यना को भी जान चुका हूँ। और तो इस तरह से मैं ध्यान के कुछ ऐसे प्रयोग करता हूँ जिससे मेरा पूरा घंटा जो है वो मेरे लिए एक प्रकार से एक चार्जिंग का सोर्स बन जाता है, क्योंकि ध्यान में हमारी 9 गुना ऊर्जा बढ़ती है। और उसके बाद ध्यान करने के बाद में फिर मैं 10 बजे के करीब जो है मैं जनरली जूस पीता हूँ। दोस्तों 10 बजे मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं, ध्यान रखना, कई बार मेरा शरीर मुझसे नहीं भी मांगता है तो मैं 11 बजे पीता हूँ, कभी मैं 12 बजे पीता हूँ, मेरा कोई टाइम नहीं है। हालांकि 80-90% तो 10 बजे ही है, लेकिन कई बार मैं टाल भी देता हूँ, क्यों, जब तक मेरा शरीर नहीं मांगता ना मैं कभी भी जूस नहीं पीता, कोई चीज नहीं डालता, पानी भी नहीं पीता, बता रहा हूँ क्यों, मेरा शरीर मुझे गाइड करता है ना भाई। लोग तो कॉन्सेप्ट से पानी पीते कि 4 ग्लास पियो, 10 ग्लास पियो, मैं नहीं पीता कभी। मैं तो अगर 2 घूंट से मेरा काम चल जाए तो 2 घूंटी पीता हूँ, मैं फालतू में पानी पीता, हाँ गर्मी में 1 ग्लास पानी जरूर फालतू में पी के जाता हूँ। और उसके बाद कई बार 10 बजे नहीं पीता हूँ तो 11 बजे पीता हूँ, और एक बार मैं जूस पीता हूँ जो सीजनल फल है, और मौसम भी है, पाइनएप्पल है, अनार है, एप्पल है, अंगूर है, तरबूज है, इस तरह के जो सिंपल जूस होते हैं वो पी लेता हूँ। और उसके बाद में थोड़े से भीगे हुए जो नट्स होते हैं वो गर्मी में भीगे हुए नट्स खाता हूँ, और सर्दियों में जो है मैं डायरेक्ट नट्स खा लेता हूँ। दोस्तों मैं नट्स को ना कई वेराइटी से खाता हूँ, मैं कई बार जूस न पीकर मैं 15-20 बादाम भिगो कर या उसका दूध पी लेता हूँ, कभी मैं नारियल का दूध बनाकर उसको 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 मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ, लेकिन मैं नट मिल्क पीता हूँ, यानी तो मैं नट्स के लड्डू बना के रख देता हूँ, यानी कि नट जो है सूखा नारियल बादाम काजू इक्वल क्वांटिटी में लेकर मैं थोड़े झटका मारकर बड़े बड़े झटका मारकर उसको मैं हल्का सा उसमें हनी डाल देता हूँ, यानी तो किशमिश डाल देता हूँ, और उसको बांध देता हूँ इस तरह से, तो बांध के रख देता हूँ, तो वो लड्डू जो है वो खा लेता हूँ। तो जूस के साथ मैं नट्स का लड्डू खा लेता हूँ। ये एक बहुत जरूरी बात है, क्योंकि
प्रोटीन और फैट की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको नट्स से आपको रोज मिलनी ही चाहिए, क्योंकि मैं अनाज दाल कम खाता हूं इसीलिए मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है। जो लोग ऐसा नहीं करते, रॉ फूड पे रहकर भी अगर आप खाली फल सलाद खाते रहोगे तो आपको बाद में समस्या आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इसीलिए नट्स को जो है वो जरूर खाएं। थोड़े देखिए ये समझ कर भी ना खाएं कि बादाम पिस्ता खाने से ही ताकत ज्यादा आती है, ये सबसे बड़ा भ्रम है दोस्तों। मैं नारियल मूंगफली तिल ये मेरे मुख्य सोर्स है मेरे प्रोटीन और फैट के। ये बादाम अखरोट जिनको इंटरेस्ट है, जिनको जिनको पैसा खर्चने का शौक है वो करें। देखिए मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन मैं बादाम भी खाता हूँ, मैं अखरोट भी खाता हूँ, लेकिन वही खाता हूँ और वही ताकत वाला है ऐसा समझकर मैं कभी नहीं जीता। तो इस तरह से आप लोग भी जो है सिंपल नारियल तेल मूंगफली इनका उपयोग करें और उनके लड्डू बना दें, उनका दूध बना दें, तो उनका उपयोग करें। तो एक बार पेट में जो है बढ़िया प्रोटीन फैट की मेरी चीज चली गई और उसके बाद में फिर मैं जनरली कुछ नहीं खाता, क्योंकि मेरी नाश्ता जैसा वर्ड तो मेरे जीवन में है ही नहीं, वर्ड ही नहीं है, क्योंकि मेरी जो भूख है वो 12-1 बजे से शुरू होती है। तो मैं जनरली 1.5-2 बजे के आसपास में फिर मैं पेट भर के मैं वैरायटीज ऑफ सीजनल और रीजनल फूड्स खाता हूँ और एंजॉय करता हूँ। और जरूरी नहीं कि दोस्तों मैं हर पल जो है मैं फ्रूटी खाता रहता हूँ, कभी कभी मैं क्या करता हूँ दोपहर को अंकुरित दालें बनाता हूँ। तो अंकुरित दालें जो होती है वो कम से कम 1 इंच लंबी होती है, मैं छोटे छोटे अंकुर नहीं खाता कभी, और अंकुर दाल के अंदर कभी उसमें नारियल डाल देता हूँ, कभी मूंगफली डाल देता हूँ, कभी मैं उसमें किशमिश खजूर डाल देता हूँ, कभी मैं उसको प्याज टमाटर नींबू डाल के उसको मैं खीरा वीरा सब डाल के सलाद टाइप बना देता हूँ बढ़िया सा, कभी मैं उसमें हरी चटनी मिला के खा लेता हूँ। तो लेकिन खाता हूँ बड़े मजे से और बड़े स्वाद से, क्योंकि मेरे जीवन का एक ही उसूल है कि स्वाद के बिना जीवन नहीं है, एवरीथिंग यू मस्ट एंजॉय, क्योंकि हर चीज इस संसार में डिलीशियस है। तो मैं अंकुरित दालों का पूरा मजा लेता हूँ और कभी कभार चेंज के तौर पर मैं स्टीम भी करके हल्का सा उसमें प्याज टमाटर नींबू डाल के स्टीम भी कर लेता हूँ कभी कभार, ऐसे रोज मैं स्टीम नहीं करता, मुझे उबला हुआ पका हुआ खाना थोड़ा कम पसंद है, क्योंकि मेरी अब जीभ जो है फ्रेश की आदी हो गई है, इसलिए मैं पका हुआ खाना थोड़ा कम खाता हूँ। और दोपहर को ऐसे मैं स्प्राउट्स खा लेता हूँ, और कभी कभार मैं स्प्राउट्स भी नहीं खाता हूँ, मैं कोकोनट मिल्क बनाकर 1/4 कोकोनट लेता हूँ एक आदमी के हिसाब से, और उसमें 2 केले डालता हूँ, उसमें 3-4 खजूर भिगो के रखता हूँ तो वो डाल देता हूँ, कभी खजूर नहीं होती तो फिर शहद डाल देता हूँ हल्की सी, और वो मिल्क शेक एक कटोरा भर के मैं पी लेता हूँ। बस दोस्तों 6 घंटे मेरी भूख फिर बाद में लगती नहीं, इतना पेट बढ़िया भर जाता है। और तो मैं कभी, इसलिए दोस्तों मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं होता कि मैं आज क्या पीऊंगा क्या खाऊंगा, मैं अपने मूड से चलता हूँ, अपने स्वास्थ्य से चलता हूँ, मेरी बॉडी लैंग्वेज से चलता हूँ, मेरा अपना कोई नियम नहीं है इसलिए। पर 90% मैं जनरली दोपहर को फूड से खाता हूँ, पर ये सब चेंज है जो मैं कभी कभार 2-3 दिनों में चेंज करता रहता हूँ इस तरह से। और फिर शाम को 5-6 बजे कभी गाजर का जूस पी लिया, कभी गन्ने का रस पी लिया, कभी नारियल पानी पी लिया, ऐसे कभी, लेकिन वो मेरा डेफिनेट नहीं है, वो मेरा बिल्कुल डेफिनेट नहीं। और कभी कभार मैं हर्बल टी भी पी लेता हूँ, कभी मैं नॉर्मल चाय भी पी लेता हूँ, कौन सी मालूम है टी बैग्स वाली। दोस्तों चाय कॉफी जो है ना वो उतनी नुकसानदायक नहीं है जितना भारत के अंदर पीने का तरीका बड़ा नुकसानदायक है। चाय में नुकसानदायक क्या मालूम है, चाय को उबाल उबाल के पियोगे तो एसिडिक हो जाती है और चीनी उसको और एसिडिक कर देती है, नुकसान ये 2 चीजें करती है। लेकिन वरना चाय कभी भी नुकसानदायक नहीं होती, चाय को अगर आप पानी उबाल के नीचे ले लो और पत्ती डाल के ढक के छोड़ दो तो लाल डिकॉक्शन जो होता है, जैसे आसाम में और गुवाहाटी और शिलांग में पी जाती है, नॉर्थ ईस्ट में पी जाती है, वहां भी लोग लाल चाय कहते हैं, वो लाल चाय जो है ना वो फिर भी बेटर है, वो कोई नुकसानदायक नहीं है। हाँ आप उसमें गुड़ मिला लो अगर आपको मिठास का शौक है, मैं तो वैसे ही एंजॉय कर लेता हूँ। और कभी कभी मैं कश्मीर का कहवा बनाता हूँ जिसमें बादाम होती है, केसर होती है, इलायची होती है, दालचीनी होती है, तो ऐसे कभी कश्मीर का कहवा पी लेते हैं। तो ये एक बस ऐसे रोज का मूड कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। और फिर रात को जो है दोस्तों, अब रात जो है वो मेरी है, अब मैं रात को क्या करता हूँ, मैं पहले एक बॉवल भर के सलाद खाता हूँ सबसे पहले, उसके साथ में मैं कभी ग्रीन चटनी इस्तेमाल करता हूँ, कभी मैं खजूर इमली की चटनी इस्तेमाल करता हूँ, कभी मैं हल्का सा विनेगार इस्तेमाल, एप्पल सिडल विनेगार इस्तेमाल करता हूँ, कभी मैं ऐसे तरह तरह के जो भी, कभी मिंट, कभी ओरेगानो, जो भी तरह तरह के जो थोड़े स्वाद पैदा करने के जो हर्ब्स होते हैं मैं उनका भरपूर इस्तेमाल करता हूँ। जानते क्यों, मेरे जीवन जो है ना वो स्वाद है,
मैं स्वाद के बिना कभी खाना नहीं खाता, मैं बॉइल्ड सब्जियां कभी नहीं खाता, आई नेवर ईट बॉइल्ड वेजिटेबल। हाँ, अगर सब्जी को अच्छे ढंग से बनाकर कुक करके उसको बनाया गया है, जैसे रोस्ट करके या सेक कर या उसको हल्का सा स्टीम किया गया हो, तो उसमें हल्का स्वाद रहता है, तो मैं उसमें उसमें हल्का सा मसाला वसाला डाल के उसको मैं खा लेता हूँ। तो इस तरह से, और जनरली दोस्तों सलाद के साथ में कोई भी हरी सब्जी होती है हमारे साथ में खाने में, उसमें बहुत कम तेल मसाला होता है, मसाले की प्रॉब्लम नहीं है ध्यान रखना। और तेल जो है, मैं प्योर कोल्ड प्रेस्ड तिल का ऑयल यूज करता हूँ, रिफाइंड तो हमारे घर में आता ही नहीं है, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। या तो मैं मूंगफली का तेल यानी तो मैं तिल का तेल, दोस्तों मैं राजस्थानी हूँ इसलिए मैं तो तिल और मूंगफली खाता हूँ, लेकिन नॉर्थ इंडिया में लोग सरसों का तेल और घी खाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, एक चम्मच छोंक मारने में उसका कोई बड़ा नुकसान नहीं है। तो इस तरह से मैं उनको सब्जियां जो है ऐसे हल्की सी मसालेदार बनी हुई, जो हल्का मसाला है उसके अंदर, और उसको मैं पूरा एंजॉय करता हूँ। और उसके साथ में अगर रोटी खाता हूँ तो सिर्फ रोटी और सब्जी ही खाता हूँ बस सिर्फ, और दालें मैं जनरली कम खाता हूँ। जानती हूँ क्यों? क्योंकि दालें मेहनती फूड है, अगर आप मेहनत करते हो तो खाओ, नहीं तो दालें आपको तंग कर देगी। और मैं वैसे अंकुरित रूप में खा ही चुका होता हूँ, इसलिए मुझे दालों की जरूरत नहीं होती, पर कभी कभार दाल बना भी देते हैं ऐसे शौक से। और तो दाल जो है लिमिट में और हल्की दालें ज्यादा खाते हैं, छोले राजमा उड़द बेसन जैसे भारी दालें होती ना वो जरा मैं कम खाता हूँ, क्योंकि मेरा शरीर में इतनी मेहनत नहीं है। हाँ, यंग बच्चे हैं या जवान लोग हैं, आर्मी है, इन लोगों की मेहनत अच्छी है तो ये लोग खाएं। तो इस तरह से दालों को मैं बहुत हल्का रखता हूँ। और तो अगर मैं रोटी खाता हूँ तो दोस्तों सिर्फ रोटी ही खाता हूँ, और अगर मैं चावल खाऊंगा तो मैं जनरली ब्राउन राइस, हमारे यहाँ पे होता है बासमती ब्राउन राइस, वो ब्राउन राइस खा लेता हूँ, कभी कभार वो भी नहीं होता तो सफेद चावल भी खा लेता हूँ, लेकिन ऐसे थोड़ी इनकी थोड़ी सीमा है। और कभी मैं भुने हुए आलू खा लेता हूँ, कभी मैं शकरकंदी खा लेता हूँ, मतलब रोटी की जगह रोटी नहीं खाता मैं। और उसके बाद या तो मैं कभी भुट्टा खा लेता हूँ, और या कभी मैं इडली खाता हूँ, कभी मैं सिंपल प्लेन सिंपल डोसा खाता हूँ, कभी मैं उत्तपम खाता हूँ, कभी मैं उपमा खाता हूँ, कभी मैं पोहा खाता हूँ, कभी मैं तरह तरह के, इतने तरह तरह की वैरायटी बनाता हूँ। दोस्तों मैंने अपने नौकर को करीब करीब 50 डिश मैंने उसको लिस्ट बनाकर दे दी है, और मैंने उसको बोला है कि आज जो डिश बनी उसका 50 दिन के बाद ही वापस उसका जो है उसका वापस द्वारा उसका नंबर आना चाहिए। तो आप जरा सोचिए कि मैं रोज जो है ना रोज नई नई वैरायटी बनाता हूँ, सिंपल जो भी खाने लायक होलसम जो होती है मैं उसको तरह तरह से बनाता हूँ। और मेरे नौकर को भी मैंने कह के रखा है कि देख अगर तू रूटीन में खाना बनाएगा ना तो तू रोबोट हो जाएगा। मैंने कहा रोज नई चीजें बनाने की कोशिश कर, उससे क्या होगा उसका माइंड क्रिएटिव बना रहता है, और सबसे बड़ी बात क्या है हम भी रोज नई नई चीजों को एंजॉय करते रहते हैं। दोस्तों मेरे लिए भोजन जो है ना टाइम पास नहीं है, ध्यान रखना मेरे लिए भोजन करना मेरे लिए सेलिब्रेशन है, मेरे लिए उत्सव है। मैं कैजुअली कभी खाना नहीं खाता, और जब मैं भोजन करता हूँ ना दोस्तों एक एक न्याले का पूरा आनंद लेते हुए खाता हूँ, और पूरे ध्यान से खाता हूँ साक्षी भाव से। उससे क्या होता है मेरी आदत जो है भोजन के साथ साक्षी डेवलप करने की हो गई है। तो आप लोग भी ऐसा चाहें तो कर सकते हैं। जनरली हम भोजन करते वक्त टीवी गपशप बातचीत ये थोड़ी कम होती है, कारण क्या है फिर अगर मैं भोजन कर रहा हूँ और भोजन का मजा ही नहीं लूँ तो फिर फायदा क्या उसका। तो इसीलिए दोस्तों मेरा कहना यह है कि जीवन का जो है पूरा आनंद लो, रसपूर्ण होके जियो। दोस्तों मैं सुबह से शाम फल और मेवे क्यों खाता हूँ मालूम है, मैं रात के 8 बजे से पहले पहले मैं चाहता हूँ कि जो बढ़िया कुदरत का माल है यानी कि सर्वश्रेष्ठ जो आहार है वो पहले मेरे पेट में चला जाए, और फिर रात को फिर मैं 8 बजे मैं क्यों प्रेफर करता हूँ अनाज खाना, इसका कारण सिर्फ इतना ही दोस्तों कि ताकि उस समय परिवार वाले सारे साथ में एक साथ हम लोग मिल सकते हैं आराम से, बच्चों के साथ में सब जो भी परिवार के लोग होते हैं हम उनके साथ में बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, इसीलिए मैं रात को खाना प्रेफर करता हूँ। कई लोग कहते हैं रात को खाना अच्छा नहीं है, दोस्तों रात का खाना उनके लिए अच्छा नहीं है कि जो सुबह भी खाते हैं दोपहर को भी खाते हैं शाम को भी 5-6 बजे खाते हैं फिर घर आके कहते हैं अब रात को खाना खाते तो पेट भारी हो जाता है। अरे भैया तुम्हारा तो पेट ही हमेशा भारी रहता है, तुम्हारी भूख भी इतनी तगड़ी नहीं होती। दोस्तों हमें तो रात को 7-8 बजे इतनी तगड़ी भूख लगती है ना, तो
और उसके कारण हम जो चाहे कैसा भी खाना खाने, हम 100% वो हमारे पेट में जाकर फंसता है। तो इसीलिए हमारे दिमाग में डर नहीं है कि शाम को खाना ठीक है कि नहीं है। देखिए, ये जैन धर्म के जो लोग हैं या जिन लोगों का अपना कोई नियम है तो वो लोग अपना अलग बात है, पर मैं यहाँ बताना चाहता हूँ आपको कि मैं चूंकि जैन परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, कि मेरी डॉक्टर सविता, मेरी वाइफ जैन है एक्चुअली, तो मैं परिवार में सबको जानता हूँ, शाम को 7-6 बजे खाकर भी है ना ये हजारों बीमारियों में सफर कर रहे हैं। धर्म के नियम इसलिए नहीं बनाए जाते कि तुम उसको एक फैनेटिक होकर उसको फॉलो करो। धर्म के नियम इसलिए बनाए जाते हैं कि जिससे हमें स्वास्थ्य मिले। धर्म को भगवान को खुश करने के लिए नहीं बनाए जाते। तो आज 6 बजे खाकर भी कौन से हम स्वस्थ है? हाँ, ये ठीक है कि थोड़ी बीमारी कम है, लेकिन तुम बीमार तो वैसे की वैसे ही हो और मरते भी हार्ट अटैक से हो या बड़ी बड़ी बीमारियों से मर जाते हो। तो मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं कि तुम शाम को 6 बजे खा रहे हो तो तुम्हारी लाइफ बड़ी हेल्दी हो गई। तो इसलिए मैं इसका विरोधी नहीं हूं, जिनको ये सुविधा है 6 बजे खाने की वो जरूर खा लें, लेकिन मैं तो चूंकि भूख से खाता हूं ना, तो इसलिए चाहे जैसा मैं खाना खाऊं मेरे पेट में तो पचने वाला है। और दोस्तों, 10% मैं हर चीज को जीवन में एंजॉय करता हूं, हर चीज को, इवन जंक फूड भी एंजॉय करता हूं, बता रहा हूं। कभी कभार अगर मैं मुंबई जाता हूं तो वहां मेरे मित्रगण जो है कहते हैं यहाँ की पानी पूरी बड़ी अच्छी है, मैं दोस्तों एंजॉय करता हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, पानी पूरी खाता हूं तो पानी पूरी ही खाता हूं बस। कोई कहता पाव भाजी यहाँ की अच्छी, मैं मजा लूंगा उसके जाके। मैं बेंगलोर जाता हूँ, कोई कहता है यहाँ का डोसा बड़ा अच्छा, मैं जरूर खाने जाता हूँ। कोई कहता यहाँ का पाव वड़ा पाव अच्छा, मैं जरूर खाता हूँ। राजस्थान जाता हूँ, कहता है यहाँ की कचौरी बड़ी अच्छी है, मैं एंजॉय करता हूँ। कोई कहता है यहाँ का गुजरात का ढोकला बहुत अच्छा है, मैं जाके एंजॉय करता हूँ। लेकिन जब तक वहाँ बेंगलोर में हूँ तब तक बाद में आके भूल जाता हूँ बस, लेकिन मैंने उसको एंजॉय किया। मैं किसी चीज से भागता नहीं हूँ, ध्यान रखना, मेरे पास डू एंड डोंट्स नहीं है, मेरे पास लड़ाई नहीं है, ध्यान रखना, मेरे पास अवेयरनेस है। इसीलिए मैं हर चीज को एंजॉय करके खा रहा होता हूं और जंक फूड भी खाता हूं। जैसे कई बार हमारे बच्चे पिज्जा मंगवाते हैं, कभी पास्ता खिलवाते हैं, कभी मुझे इटालियन रेस्टोरेंट लेके चले जाते हैं, कभी चाइनीज रेस्टोरेंट लेके चले जाते हैं। एक आध बार ओकेशनली मैं उसको भी एंजॉय कर लेता हूं, लेकिन जब मैं वो खाता हूं तो फिर से वो ही खाता हूं। और एक बात ध्यान रखना, मैं नहीं खाना नहीं सिखाना पसंद करता, मैं कहता हूं कम खाना सीखो। दोस्तों, जहर भी खाओ ना, कम खाओ, और खाने के बाद में गिल्ट मत फील करो, एंजॉय करो, क्योंकि तुम 90% तो सही खा रहे हो ना। और दोस्तों, हमारा शरीर इतना कमजोर भी नहीं बना कि तुम अचानक कभी कभार कुछ खा लो तो बीमार पड़ जाओ। और दोस्तों, शादी ब्याह में जाता हूँ ना, तो वैसे तो मैं जनरली अब मेरे अंदर वो एक्चुअली वो इंटरेस्ट नहीं रह गया खाने पीने का, लेकिन फिर भी कभी कभार कोई तारीफ कर देता कि यहाँ की जलेबी बड़ी अच्छी है ये, तो मैं कहता हूँ लाओ भैया थोड़ी चख लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज से भागता हूँ। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जीवन को ना इतना रिजिड मत बनाओ, इतना जड़ मत बनाओ कि बहुत ज्यादा एक सीमित दायरे में जीवन को जी गए। मेरे लिए जीवन जीना एक कला है और मैं कला की तरह जीवन को जीता हूं। तो इस तरह दोस्तों, मैं तो परमात्मा को धन्यवाद देता हूं कि क्या तूने स्वाद बनाया, क्या तूने जीवन बनाया, क्या मेरे लिए तूने फल और मेवे बनाए। इतना स्वाद है, मैं जब एक पाइनएप्पल का जूस पीता हूँ, एक एप्पल का जूस पीता हूँ, एक एप्पल खाता हूँ, एक पपीता खाता हूँ, एक मैंगो खाता हूँ, मेरी आत्मा से ना आ निकलती है, प्रार्थना निकलती रहती है कि भगवान क्या बनाया तूने मेरे लिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो ए मुसव्विर, तेरे हाथों की बलाएं ले लूं, क्या खूब तस्वीर बनाई तूने मेरा दिल बहलाने के लिए। इसलिए दोस्तों, परमात्मा के प्रति सिवाय कृतज्ञता, सिवाय प्रार्थना के मेरे अंदर कुछ भी नहीं निकलता। इसलिए मेरा स्लोगन होता है, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। तो दोस्तों, आप लोग भी अपना रूटीन अपने ढंग से बनाएं। आपको एक बार अनाज खाना है, दो बार अनाज खाना है। दोस्तों, मैं एक बार बता दूं आपको, आज के युग में एक ही बार अनाज खाना बस है, उससे ज्यादा अनाज खाओगे बीमार पड़ोगे, अनाज के बहुत सारे प्रॉब्लम है। मेरी किताबें हैं अनाज रोग कारक है, पढ़ें समझ में आएगा। और दूध तो घातक है, मैं कह रहा हूँ घातक। तो दूध का कभी कभार इस्तेमाल कर लो, 50-100 ग्राम कभी चाय कॉफी में पी लिया, अलग इस्तेमाल कर लो, लेकिन दूध पे जोर मत दो, फल मेवे खाओ। तो दोस्तों, स्प्राउट्स और नट्स खाओ, क्योंकि ये तुम्हारा प्रोटीन का बेस्ट सोर्स है। और नॉनवेज जो है वो तो तुम अपने पेट को कब्रिस्तान बनाना चाहते हो और ये मुर्दा जीव को खाना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं तो इसके फेवर में नहीं हूँ। मैं तो अमृत खाने के फेवर में हूँ, अमृत जो परमात्मा ने मेरे लिए बनाया। तो इस तरह से दोस्तों, ये मेरा सिंपल सा डाइट प्रोग्राम है और सिंपल सा मेरा रूटीन है। मैंने आपको पहले कहा ना, आई डोंट डू एनीथिंग फॉर माय हेल्थ, आई जस्ट फ्लो, बस। और नींद आ जाती है, सो जाता हूँ,
नहीं आती है काम करता रहता हूं, घंटी बजती है बाथरूम जाता हूं, नहीं लगती है वेट करता हूं। मेरा कोई समय नहीं दोस्तों कि मोशन सुबह 6 बजे आना चाहिए, कई बार मुझे 10 बजे भी आता है। मैं क्यों सोचूं कब आ, मेरा शरीर जाने, तो मैं तो शरीर के पीछे पीछे चलता हूं। मेरा शरीर डॉक्टर है, मेरा शरीर वैज्ञानिक है, मेरा शरीर ही मेरा भगवान है बस। सो आई फॉलो माई बॉडी। और याद रखना दोस्तों, मैं अपने शरीर को मंदिर की तरह ट्रीट करता हूं, कूड़ेदान की तरह नहीं। मैं इसकी पूजा करता हूं, मंदिर में जाके उस भगवान की पूजा नहीं करता, मैं इसके अंदर बैठे हुए भगवान की पूजा करता हूं। तो आप लोग भी दोस्तों इस शरीर को मंदिर बनाओ, आपको जीवन जीने का मजा आ जाएगा। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आपके स्वास्थ्य की मैं आपसे विदा लेता हूं, और फिर मैं आपसे मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में।